हेलो फ्रेंड, डीटीएच प्लस मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंडक्शन कुकटॉप को रिपेयर करने का तरीका बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके सभी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल कर इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप अपना इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें। इंडक्शन कुकटॉप ओपन कर लेने के बाद हमें अपनी मेन कॉइल के सभी स्क्रू खोल कर इसे अलग कर लेना है। इसके बाद हमें इंडिकेशन कुकटॉप की एसी वाली मेन केबल पर मल्टीमीटर की सहायता से रीडिंग चेक करनी है और अपने मीटर को बीप बजर वाले ऑप्शन पर सेट करना है। अगर केबल के एक सिरे से दूसरे सिरे पर बीप बजर वाली रीडिंग आती है तो हमारी मेन केबल ओके है। इसी तरह हमें इस बोर्ड में लगे फ्यूज को भी चेक कर लेना है। अगर फ्यूज के दोनों सिरे पर मल्टीमीटर की वायर लगाने से बीप की आवाज और रीडिंग ना आए तो हमारा फ्यूज भी खराब है और बोर्ड की इनपुट वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए इस बोर्ड को बाहर निकाल कर इसके इनपुट वाले सेक्शन में लगी सभी कंपोनेंट चेक कर लें। हमारी इस पीसीबी में फ्यूज का खराब होना
इस पीसीबी में हुए शॉर्ट कंपोनेंट हैं। ज़्यादातर इस पीसीबी में ब्रिज रेक्टिफायर डायड, आईजीबीटी या फिल्टर कैपेसिटर ही खराब होता है। और देखिए पीसीबी को उल्टा करने के बाद इस पीसीबी में फ्यूज वाली जगह स्पार्क हो रखा है और ये स्पार्क वाली लाइन हमारे ब्रिज रेक्टिफायर डायड पर कनेक्ट है, इसलिए हम डिसोल्डर विक की सहायता से रेक्टिफायर और आईजीबीटी को बाहर निकाल कर इनकी चेकिंग करेंगे। Thank you.
कंपोनेंट चेक करने के बाद हम और अपने उन दोनों कंपोनेंट को भी इसमें लगा देंगे जो हमें इस पीसीबी में खराब मिले थे। IGBT और रेक्टिफाइड डायोड को सोल्डरिंग करने के बाद हम इसमें लगे फ्यूज को जम्पर करेंगे और फ्यूज को अच्छी तरह से सोल्डर की सहायता से फिक्स कर देंगे।
पीसीबी के रिपेयर हो जाने पर हम इस पीसीबी को अपने इंडक्शन में इंस्टॉल कर देखेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद इसे ऑन कर देखेंगे कि हमारा इंडक्शन ठीक हुआ है कि नहीं। तो आइए इस पीसीबी को इंडक्शन में इंस्टॉल कर लेते हैं।
ये देखिए अब हमारा इंडक्शन ओके है और ये वर्क कर रहा है।